टेम्परेचर में ना अपना पूरा टेम्परेचर दिखाता हूँ। अच्छा और भी यार वैसे ही मतलब बड़ी अटपटी सी चीज़ है। अब एक बात बताओ, प्रॉपर्टी दिखाने जा रहे हैं तो अब क्लाइंट भी थोड़ा सा वो है कि मतलब दूर से अगर विजिट कर रहा है तो थोड़ा सा उसको मुश्किल हो गई है, गली है मतलब जो नेचुरल सी चीज़ है वो 48 डिग्री चल रहा है। अब यार वो दूसरे क्लाइंट को स्मार्ट वर्ल्ड का भी दिखाते लेके आ रहे हैं, सुनिए वैसे इसका भी कोई सोल्यूशन होना चाहिए। सही कह रहा है, मिल गया सोल्यूशन। इसके साथ स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्ल्ड को स्मार्ट वर्क के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि क्योंकि यूट्यूब हमारी फैमिली है, फैमिली नहीं हमारा खानदान है यार, हमारा खानदान बहुत बड़ा होने वाला है और जितने भी हमारे खानदान के मेंबर हैं उसमें इन्वेस्टर हैं, ब्रोकर हैं, प्लस क्लाइंट्स भी हैं जो हमारे से कॉन्टेक्ट करके स्मार्ट वर्ल्ड को खरीदना चाहते हैं। मतलब कि बहुत वाइड जो है यूट्यूब, यूट्यूब के अंदर कितने मिलियन आधी आबादी होती है, आधी आबादी हो, उनको पता लगना चाहिए ना गुड़गांव के अंदर एक स्मार्ट वर्ल्ड करके प्रोजेक्ट है जो कि प्रेजेंटेड बाय M3M, तो उसको आज हम ग्रेट लेवल पे चल रहे हैं, हम उसको यूट्यूब पे हाईलाइट करने वाले हैं। तो मिलते हैं गोल्फ कोर्स रोड पे, चलो चलो आओ संजय, चलो चल सकते, चल 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 चल। It is all around us, even now in this very room. छप्पन छप्पन का ये मेट्रो स्टेशन है और मेन क्या होता है, मेन जो भी इन्वेस्टर होता है वो ये चीजें देखता है कि मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये मेन बेसिक तीन चीजें होती हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी बिकती है। तो एप्रिसिएशन भी इसी की वजह से अगर डिस्काउंट किया जाए तो मतलब ये भी एक मेजर पॉइंट होगा ना दिनी भैया, ये बहुत मेजर पॉइंट होता है। देखो ना मेट्रो बिल्कुल पास में है और कितना जहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी होगी तो आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि ये इस प्रोजेक्ट में मतलब एक एप्रिसिएशन मिलना ही मिलना है। और साथ में जो लो राइज अपार्टमेंट इन्होंने बनाया है लग्जरी फील के साथ, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम चल रहे हैं इस टाइम पे स्मार्ट वर्ल्ड की जो सैंपल फ्लैट बनाया वहाँ लेके चले या साइड पे लेके चले? नहीं पहले एक बार ही सैंपल फ्लैट दिखाए थे तो इमेजिनेशन सेट हो जाएगी कि अच्छा ऐसा बनने वाला है यहाँ पे। पहले अपना सैंपल फ्लैट, तो हमने एक गोल्फ कोर्स रोड से अपना राइट ले लिया है। गर्मी बहुत मस्त हो रखी है, फुल फील के साथ दे रही है अपना प्रभाव। गोल्फ कोर्स रोड को तो सभी जानते हैं कि एक ब्रांड मतलब बन चुका है ये रोड, रोड्स में एक रोड है हाईलाइटेड दी रोड। तो यहाँ से हमने इस ब्लॉग को दिखाना स्टार्ट किया है कि क्लियर हो पाएगा हमारे, क्योंकि दिल्ली के जो लोग हैं वो कनेक्टिविटी गोल्फ कोर्स रोड से ज्यादा है ना, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड पे ऑफिसेज वगैरह बहुत ज्यादा है। जो लैंडमार्क है वो एम्बियंस मॉल है या अपना गोल्फ कोर्स रोड है, तो यहाँ से ही हमने बेटर समझा कि हाईलाइट करते हैं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से इजी वे में इस वाली जो प्रॉपर्टी को समझ पाओ और इन्वेस्ट करो स्टार्ट। जहाँ पे ऑफिसेज है वहाँ पे मतलब जो लोग काम कर रहे हैं तो उनको घर तो चाहिए। अब ऑफिसेज में जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी मिल रही है, बहुत सही, भगवान की कृपा से। तो ये बजटेड एक M3M का प्रोजेक्ट है स्मार्ट वर्ल्ड, जो लो राइज अपार्टमेंट में और पूरी लग्जरी, मतलब अभी हमारी बातों पे थोड़ा सा आपको कम फील हो रहा होगा ना, लेकिन जब अभी कुछ मिनट बाद आप देखोगे तो आपको सही ऐसा बोलोगे कि सही कह रहा था भाई। तो गाइस ये सैंपल फ्लैट है जो अभी हम आपको अंदर से विजिट कराएंगे, अभी दिखाते हैं हम आपको। जैसा बाहर से आपको दिख रहा है ऐसा ही सेम आर्किटेक्ट जो होगा वही M3M आपको प्रोवाइड करके देगा। देखिए ग्रीनरी काफ़ी सही तरीके से ये लोग बहुत है ना, ग्रीनरी का पूरा ख्याल है यार, कितने नहीं ये होना चाहिए।
ये स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड की एंट्रेंस जो है पहुंच चुके हैं लॉबी एरिया में। साथ में आपको बैक साइड में इसमें कार पार्किंग मिलने वाली है, इंडिपेंडेंट कार पार्किंग। ये देखिए इधर भी परमिशन है कार पार्किंग का और बैक साइड में भी है। 2.5 BHK प्लस 3 BHK के यहाँ पर दो लेआउट है सैंपल फ्लैट में जो कि हम विजिट करवाने वाले हैं आपको। और लिफ्ट में ये इसी तरीके से लिफ्ट का आर्किटेक्चर होगा, देख रहे हो, मतलब कि यही तो है प्रेजेंटेशन और लग्जरियस थिंग। इसी की वजह से मतलब ये प्रोजेक्ट जो है थोड़े से अलग हाइलाइटेड होते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट का नाम हम रख सकते हैं वाव। वाव प्रोजेक्ट स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चर्ड वाव फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस तरीके से लिफ्ट आपको मिलने वाली है। तो अभी हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि इधर का जो लेआउट है वो 2.5 BHK का जो कि पूरा सोल्ड आउट है। तो ये अभी मतलब कुछ यूनिट्स वैसे हैं इसके अंदर अवेलेबल, वो मतलब मौके पे चौका, मतलब अगर कोई यूनिट भगवान की किस्मत। हाँ, हाँ, मिल सकते। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि वाओ कैसा रूम है। तो सबसे पहले इस रूम में एंट्री लेते हैं। ये हॉल एरिया है, ये जितना भी आप देख रहे हैं ये हॉल एरिया है। ये एक सैंपल फ्लैट है जो मतलब प्रेजेंट किया गया है इस साइज के अंदर, ये आर्किटेक्चर के साथ, ये सारी इन चीजों के साथ। तो ये हॉल है, ये पूरा आप जो देख रहे हैं डाइनिंग एरिया इस तरीके से हाईलाइट किया गया है, आप खुद देख पा रहे हैं। अकॉर्डिंगली ये किचन के सामने भी समझ आ रहा है, आप इधर की साइड भी मतलब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेकिन ये जो साइज है आपको हॉल का ये साइज मिलेगा कि तो एक इसी तरीके से अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो अपने घर को तो ये तो एक बहुत अच्छा आइडिया है आपको अपने घर को बनाने का। जो हम वो बात बता रहे थे तो वो ये है कि यहाँ पे जो जितने भी स्प्लिट एसी है उन सबका, ये तो सैंपल फ्लैट पे लगा हुआ है ना, मतलब इन सबका ही ये जो स्प्लिट एसी है ये ऐसे पांच लगे हुए हैं, इन सबका जो आउटडोर यूनिट है ना वो टेरेस पे लगा हुआ है। बताओ सनी भाई ये जो 3 BHK है ये कितने स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है? ये जो लेआउट है ये 1630 स्क्वायर फीट है और इसमें आपको मिलने वाली है ये वाला जो आपको साइज हम हाईलाइट कर रहे हैं, साथ में आपको बेसमेंट में डेडिकेटेड एक स्पेस मिल रहा है, ऑफिस स्पेस मिल रहा है, कार पार्किंग मिल रही है। तो ये सारी चीजें साथ में टेरेस में ऊपर आपको स्पेस मिल रहा है, ये सब 1630 जो स्क्वायर फीट एरिया है उसके अंदर है काफी सही। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बिल्डर ने इसको बनाया है और इसी तरीके से आप इंटीरियर करवा सकते हैं आपको। अच्छा इसके अंदर वैसे एक वो है कि मतलब जैसे अब जो डेवलपर है वो रॉ दे रहा है, सेमी फर्निश दे रहा है या फिर ऐसे मतलब ऐसी प्रेजेंटेशन के साथ तो ऑब्वियसली नहीं देंगे ये रॉ, नहीं ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल रॉ दे रहा है, पेंट नहीं करके दे रहे और ग्रेनाइट भी लगा के दे रहे, ऐसा नहीं है, ये इसी तरीके से लगाकर दे रहे हैं। ग्रेनाइट है, पेंट है और okay. आप देख पा रहे हैं जैसा कि बिल्डर ने आपको किचन में मॉड्यूलर किचन है, राइट? ठीक है सेंट्रलाइज्ड एसी, राइट? पूरे एसी है कि ये जो वीआरवी जो सेंट्रलाइज्ड एसी का मतलब सिस्टम जो है इससे मतलब 30-35% जो बैटरी वो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कम आता है ना, उसको कंजम्पशन जो है बिजली की वो 30-35% कम आती है। ओके, जो उसकी लोडिंग है वो इन्वर्टर के रूप में एक बिजली कम यूज करता है। बिल्कुल सही कह रहे हो।
अच्छा ये लाइट्स वगैरह जो है ये फिट करके फिटिंग मतलब इसकी या फिर सिर्फ ये प्रोविजन करके देंगे इसका? देखो जैसे आपकी चॉइस है कि मेरे को ये नहीं पसंद है या मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो बिल्डर की साइड से क्या होता है कि प्रोविजन दे दिया जाता है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल वॉर्म लाइट पसंद है तो आप वॉर्म लाइट लगवाना पसंद करेंगे, तो मतलब आपको प्रोविजन देता है, स्पेस देता है और क्या आप लगा सकते हो, लेकिन चॉइस आप अपनी, ऑब्वियसली बात अच्छी बात है क्योंकि मतलब पसंद तो अपनी होनी चाहिए ना, वैसे सबकी पसंद अलग है। ये जो है ये एक बेडरूम है, तो आप ये देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से इसका खुला स्पेस है, जो बात है एक डिसेंट साइज है इस बेडरूम का, और आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से स्पेस मिल रहा है आपको, और इसी तरीके से अगर आप मेंटेन करके बनाते हैं मजा आ जाएगा आपको रहने में। वीडियो बंद करके एक बार थोड़ी देर यहाँ रह लूं। तो ये टीवी का जो एक यूनिट दिया गया, मतलब यूनिट ये स्पेस दिया गया, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। दूसरे रूम में एंट्री ले रहा हूँ, 3BHK का लेआउट है, तो ये एक रूम है, इसी रूम के साथ ये उससे साइज बड़ा है ना, उससे साइज उस वाले रूम से ही थोड़ा सा बड़ा है, साइज है, ब्यूटीफुल साइज है। आप देख पा रहे हैं कैमरा में कि आपको स्पेस मिल रहा है, यूटिलाइज किया है इस स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से किया, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको एक लग्जरी फील मिलने वाली है, तो खास करके इस डील का फायदा जरूर उठाना। बिल्कुल लिमिटेड यूनिट्स है इसकी, ये 1630 का लेआउट है ना, ये 1630 के लेआउट पे अभी हम खड़े हैं। ये इसका एक बारी वॉशरूम आप जरूर देखना पसंद करेंगे। जो डाइनिंग हॉल के साथ रूम के साथ कनेक्ट कर रही है, और ये बेडरूम के साथ कनेक्ट कर रही है। आप साइज देख सकते हैं बालकनी का, काफी अच्छा साइज है, डिसेंट साइज है। So guys, now we are going to lobby area, जो आप लोगों को बेसमेंट में मिलेगा। बेस स्पेस दिया गया बिल्डर की साइड से, बिल्कुल सही। और ये आप देख पा रहे हैं, आप इसको किस तरीके से यूज करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन्होंने एक आइडिया दिया है, जस्ट आप इस स्पेस को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि जैसे वो 3BHK है तो वो 3.5BHK हो गया, लेकिन वो जो 0.5 है वो नीचे बेसमेंट में, तो आप उसको किसी भी तरीके से मतलब शांति के लिए किसी भी चीज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक काफ़ी सही आइडिया लगा है आइडियोलॉजी के साथ, तो ये अलॉटेड है उसके साथ, ये कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए इसको या एडिशनल, मतलब इसके साथ ये इसको आप कहो कि दुआ देने के लिए। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, नया प्रोजेक्ट है, इस तरीके से मैंने कभी नहीं देखा इससे पहले कि कोई बिल्डर इस तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहा है। प्रेजेंट बहुत अच्छा लगा। इन्होंने ये प्रेजेंट इस
इस तरीके से किया है कि एक ऑफिस बन सकता है, ऑफिस में ये बैकग्राउंड इस तरीके से दिया है और ये साथ में चेयर भी है। ये सब कुछ आप लोगों की इमेजिनेशन पे निर्भर करता है कि आप इस स्पेस को किस तरीके से यूटिलाइज करते हो। मतलब देखो कि स्पेस दिया है तो आप इसको अब इस तरीके से ऑफिस भी बना सकते हो, अब इस तरीके से एक कॉन्फ्रेंस रूम भी बना सकते हो, या फिर ये मेरे को शायद थिएटर हॉल हैंग आउट जोन भी बना सकते हो। ये देखो ये टाइम निकलता जा रहा है, तो डील जो है अभी हमारे हाथ में है, अभी हमारे पास यूनिट्स की इन्वेंट्री है, तो आप कॉल कर सकते हैं 9819202003 नंबर पे कॉल करके आप क्लियर कर सकते हैं कि यूनिट्स जो अवेलेबल है उसका क्या प्राइस वो है। प्लीज हमें दे दो। हाँ वो हमें प्लीज दे दो, हमारी बुकिंग डन करो। आपने जिस तरीके से यूट्यूब पे दिखाया है उस तरीके से थैंक यू करते हैं। थैंक यू मत बोलना, बस हमें लव यू बोलना। आप लोग को लेके चल रहे हैं टेरेस एरिया, अब देखो लिफ्ट हमारे साथ साथ चल रही है और हम स्टेयर्स यूज कर रहे हैं, तो ये फोर्थ फ्लोर टेरेस तक है। अब जैसा कि आप देखो ये मार्किंग की हुई है ना, ये मार्किंग की हुई है इसी तरीके से पूरे दुकान गेट ने बंद कर दिया मेरे को। मार्किंग जिस तरीके से दी गई है उसी तरीके से डेडिकेटेड स्पेस मिलने वाला है आपको टेरेस पे, जैसे वो होता है ना कि मतलब अब कि जो ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहा है उसको छत मिलेगी और जो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है उसको नीचे का बेसमेंट एरिया मिलेगा। तो यहाँ पे पंकज बंसल जी ने सबको एक बराबर कर दिया कि ऐसा क्यों यार, सबको सब मिलना चाहिए, सबको पार्किंग मिलनी चाहिए, सबको एक टेरेस पे स्पेस मिलना चाहिए। आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं सारी यहाँ पर फुलफिल होती हैं, ऑफिस स्पेस मिल रहा है, लग्जरी फील दे रहा है। ये टोटल जो लैंड है वो 25 एकड़ का लैंड है, प्रॉपर लग्जरी फील के साथ इसको बनाया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि ये जो बालकनी है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है सारी अपार्टमेंट्स के साथ, तो अब साथ वाले उस पे अलग लोग बैठे हुए हैं, आप इधर, तो मतलब लोगों के अंदर एक ह्यूमन नेचर होती है ना वो, कि एक दूसरे को जानने की, हाय 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 कैसे हैं आप, क्या कर रहे हो। तो ये चीज इन्होंने बिल्कुल मतलब फ्रेंडली रखी है कि इन्होंने बंसल साहब ने क्या किया है कि गेट टुगेदर करने का भी प्लान बना कि आप कोई आप गेट टुगेदर कि ये रे रिश्तेदार भाई तुम्हारे साथ वाली छत पे तुम्हारे खानदान आप बना सकते हैं, आप अपना स्मार्ट वर्ल्ड खानदान बना सकते हैं, स्मार्ट वर्ल्ड में अपार्टमेंट अपना खरीद के हमारे साथ साथ चल रहे हैं और साथ साथ ये देखते जा रहे हैं टेरेस को। फुल आप व्यू ले सकते हैं, मजे ले सकते हैं, ग्रीनरी के मजे ले सकते हैं, फ्रेश एयर जो सबसे मेजर इस दुनिया की सबसे जो कीमती चीज है ना वो फ्रेश एयर है, तो वो आपको फ्री में मिलने वाली है इस फ्लैट को खरीदने के बाद। पॉट्स में सन्नी भाई इधर से उधर भागता हुआ नजर आ, ये देखो ये रहा यार, ये हमारे साथ ही है यार, ये इधर से उधर भागे जा रहा है। किवें लगा नहीं वैसे सच्ची दसी वैसे सच्ची किवें लगा तेरा दिल कीता है फ्लैट खरीदने को एक री दस दे बाह ते जेड़ा पाया है इनदा मतलब की है कभी हार मत हार हां नेवर टेरेस काफी अच्छा बना रखा है इसमें आपको मिलने वाला है। ये जो आप ग्रीनरी मिलने वाली है, हाँ। ये जिस तरीके से हाईलाइट किया हुआ है इस तरीके से ये शायद नहीं मिलने वाला है, हाँ। नहीं ये अच्छा हाँ। है आपको 3 BHK प्लस बेसमेंट में आपको एक ऑफिस स्पेस मिलने वाला है, टेरेस पे आपको स्पेस मिलने वाला है, तो प्रॉपर ये तरीके से पार्किंग कार पार्किंग मिलने वाली। पर ये मतलब आप अगर आपने पूरा प्रोजेक्ट देखा ना हमारे साथ साथ जैसे हमने आपको पूरा मतलब इमेजिनेशन के साथ दिखाया, तो आप ये देखेंगे इसकी कॉस्टिंग जो है ना ये बिल्कुल मतलब इजी हैंड वाली है। कॉस्टिंग ऐसी कहेंगे कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि हाँ भाई पैसा वसूल, पैसा एक लग्जरी फील के साथ, तो ये वो चीज बनाई है। दिल्ली वाले बहुत खुश हो जाएंगे जल्दी यार।
दिल्ली वाले क्यों नहीं खुश होंगे? वहां पर तो पीपी और चीची चल रही है, तो वो यहाँ अगर खुश होंगे ही होंगे भाई, 100% होंगे। ये स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 61 में ये अलॉट है। ये अगर हम बात करें, आप बात पूछो कि ये कब डिलीवर, ये कब डिलीवर होने, कसम से मैं पूछने वाला था भैया, ये कब डिलीवर होने वाला है? ये डिलीवर होने वाला है, आप मेरे को ये बताओ, एक सेकंड इधर आओ, मेरे को ये बताओ, जो हमारा इंडिया आजाद हुआ था वो किस डेट को हुआ था? 15 अगस्त। तो ये बिल्कुल आपको 15 अगस्त 2023 में मिलने वाला है, जैसा कि बंसल साहब ने वादा किया है, और हमेशा जो अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर करते हैं अपनी कमिटमेंट्स के बिहाफ पे। ये तो बात सच है। ये 15 अगस्त 2023 में आपको ये मतलब क्लाइंट्स को ये मतलब आप अपने बैग्स वगैरह लेके आओ, अपनी इमेजिनेशन को साथ लेके आओ और बना डालो इसको इसी तरीके से जैसे हम बैठे। और 16 अगस्त से यहाँ रहना शुरू करो। 16 अगस्त से यहाँ पे रहना शुरू करो। सही, रहने से याद आया मेरे को कि एक इसके अंदर जो कॉस्ट है, इस अमाउंट जो कॉस्ट है इस अपार्टमेंट का, उसके अंदर जो तीन चीज़ें इंक्लूडेड है कि एक तो ईडीसी जो होता है वो गवर्नमेंट का चार्ज होता है, वो क्लाइंट से ही लिया जाता है, तो वो इंक्लूडेड ही है। और एक लाइफ टाइम के लिए क्लब लाइफ टाइम मेंबरशिप वो होती है, क्लब में स्विमिंग पूल हो गया, जिम हो गया, जॉगिंग पार्क हो गया। ये बात नॉर्मल नहीं है, मतलब आप ये देखोगे अगर आप इस अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लाइफ टाइम क्लब की मेंबरशिप मिल रही है, जिसके अंदर इस गर्मियों के मौसम में आप पूल में भी जा सकते हो भाई, जिम जा सकते हैं, और भी बहुत सारी जॉगिंग पार्क हैं, बहुत कुछ है, गार्डनिंग एरिया है जिसका आप इंजॉय ले सकते हैं, लाइफ टाइम ले सकते हैं, वो वन टाइम होता है, वो इसी में इंक्लूडेड होता है जो मार्केट प्राइस है के साथ। तो यार इसके बाद तो ये एक और ये चीज़ हो सकती है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करते ही इंसानों को खुशियाँ मिलने वाली है। यार ये पर्सपेक्टिव तो है सनी भाई, क्योंकि अगर देखो वैसे मतलब रियलिटी यही है कि अगर देखा जाए लोग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, राइट, ठीक है, हाई राइज हैं, लो राइज हैं, लेकिन एक जो स्मार्ट वर्ल्ड अलग क्यों है, क्योंकि स्मार्ट वर्ल्ड पहली बार तो नाम अलग है, तो वो कुछ ना कुछ जो अलग लेके आ रहे हैं तो वो उसी बेस पे लेके आ रहे हैं कि इसकी लिमिटेड यूनिट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, तो आप हमारे जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इस वाली यूनिट्स को डन करवा सकते हैं। जो आपको प्राइस मिलने वाला है वो बेस्ट प्राइस का वादा देते हैं हम आपको, आज की डेट में सबसे कम रेट पे आपको ये डील मिलने वाली है। PR2FR की डेफिनेशन इसी वीडियो के अंदर क्लियर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बात पे हम रहेंगे, और ये मतलब हम रहेंगे क्या ऑटोमेटिकली, हम रह रहे हैं आज की डेट में, रह रहे हैं, बोले इंसान है। हम क्लाइंट को यही बोलते हैं कि PR2FR, तो क्लाइंट कहता है ये PR2FR क्या होता है यार? PR2FR की जो फुल फॉर्म है वो है पब्लिक रिलेशन टू फैमिली रिलेशन। ये हमने M3MT सीखा है, मतलब आप जो ये अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी हमसे बात होती है, अगर आपकी हमारे साथ डील होती है, तो आप हमारी ऑडियंस नहीं है, आप हमारा परिवार है, आप हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली, राइट। और YouTube में तो हमारी जो बड़ी फैमिली हो ही रही है, तो जितने भी हमारी वीडियोस को वॉच करने वाले हैं उनको हम दोनों भाई दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं। साइट पे आपको लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, साइट विजिट पर लेकर जाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको क्लियर खांसी आ गई हमारे कैमरामैन की। अब कैमरा को सीधा लेकर चलते हैं साइट व्यू पे, साइट विजिट पे लेकर इसलिए जाना ज़रूरी है कि एक सैंपल फ्लैट था जो कंस्ट्रक्शन अभी राइट नाउ दिन रात काम चल रहा है उस लैंड पे, आपको इमीडिएटली ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ये तो अब खरीद लेनी चाहिए। चलो जहाँ से हमें लेना है राइट, और यहाँ से एक अलग दुनिया शुरू हो रही है, आने वाली दुनिया, आ चुकी दुनिया। देख 1.7 किलोमीटर नहीं है, क्योंकि हमें यूटर्न लेके आना होगा साइड पे, तो अगर हम देखें तो ये टोटल 500 मीटर भी नहीं है। क्या बात है, हमें यूटर्न लेकर आना है। हाँ, वो रहा साइड विजिट, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मतलब तरीके से बने रही है, मतलब कि आप कहना चाह रहे हो कि अगर वे यहाँ से ना होता, यहाँ से होता तो ये 500 मीटर का था, ये आधा किलोमीटर भी नहीं है। लेकिन गुड़गांव के लोग बहुत अच्छे हैं यार, मैंने देखे लोग हर जगह के अच्छे से नहीं है, पता है क्या चीज़ है, मैं मेरे को लगता है कि मैटर ये करता है, अगर घर में मंदिर है तो इंसान भी मंदिर है, मतलब कि अगर उसको देखने को खुली हवा, अच्छी चीज़ें, आसपास ग्रीनरी, मतलब घर से कदम बाहर निकल रहा है, तो वो हर जगह अगर पॉजिटिविटी, अपने नज़रिए से पॉजिटिविटी अगर उसके नहीं है ना, तब भी वो पॉजिटिविटी क्रिएट हो जा रही है कहीं ना कहीं, मतलब माहौल देख के। माता शीतला देवी जी की धरती है, माता शीतला वो कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, राइट। और गुड़गांव तो वैसे भी बिजनेस का गुरु द्रोणाचार्य, जय गुरु द्रोणाचार्य।
जो गुड़गांव की धरती है ये गुरु द्रोणाचार्य जी की धरती है और वो बहुत बड़े गुरु थे, तो वो कहीं ना कहीं प्रभाव है इस गुड़गांव पे, तभी ये गुड़गांव जो है पूरा ये देख रहे हैं यहाँ पहुँच चुका है हाइट्स पर। ये कहीं ना कहीं रियलिटी हो सकती, मतलब है वैसे तो, मैं तो मानता हूँ। रोड देख सकते हैं कितनी चौड़ी रोड पे ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, और इसी तरीके से हमने आगे एक यू टर्न आएगा जो पहला यू टर्न होगा, वहीं से हमने साइट पे विजिट करना है। यहाँ पे सारी ये देखिए, ये है स्मार्ट वर्ल्ड का ऑर्चर्ड प्रोजेक्ट। आई वर्क आई प्ले, बहुत गहरा मतलब है इस बात का। मैं जी रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और मैं खेलूंगा। तुम खिलाड़ी तो बनो, तुम खिलाड़ी तो बनो। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, एक PLC होती है तो उसको बोलते हैं प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस। वो डिपेंड करता है कि आप लोकेशन कौन सी पिक कर रहे हैं, उसके जो चार्जेस होते हैं कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, तो आप क्लियर कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक तो कॉर्नर की यूनिट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए PLC आता है, अगर आप फर्स्ट फ्लोर लेना चाहते हैं तो उसके लिए PLC आता है, और अगर आप गार्डन व्यू लेना चाहते हैं तो उसके लिए PLC आता है। तो उसके जो ग्राफ है वो अलग अलग है, परसेंटेज वाइज है, तो डिपेंड ऑन आपकी चॉइस, आप कौन सी लोकेशन को चूज करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग है वो सारी चीज़ें। जस्ट कॉल दैट्स ऑल ऑन दिस नंबर 9818920203, तो आपको फिर आगे की सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जो हमने सैंपल फ्लैट आपको व्यू करवाया वो 1630 का ले आउट, जो 2.5 है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, उसकी हम डिस्कस ही नहीं करते क्योंकि वो यूनिट अवेलेबल नहीं है अभी। जो यूनिट्स अवेलेबल है वो इन तीन साइज में अवेलेबिलिटी है, बिल्कुल लिमिटेड यूनिट्स है। ये याद रखें कि स्क्रीनशॉट लेना ना बोले इस वीडियो का, अगर आप स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी क्लियर करते हैं तो हमारे लिए इजी रहता है कि आप किस वीडियो के बेस पे किस किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए इजी रहता है आपसे बात करना। मतलब ये स्मार्ट वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट है ना, ये हटके है, लो राइज है, लो राइज के अंदर काफ़ी वर्ल्ड क्लास कम्युनिटीज़ दी रखी है, क्लब की जो मेंबरशिप है वो लाइफ टाइम, मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं रहने के लिए, खुद के सुकून के लिए, जितना आप पैसा कमा रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए पैसा कमा रहे हैं, राइट। तो ये वो एक परफेक्ट चीज़ हो सकती है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इसी तरह हमें मोटिवेट करते रहिए। तो गाइस मिलते हैं जल्दी से जल्दी नए प्रोजेक्ट्स के साथ। जस्ट ऑल दैट्स ऑल।